नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ मिडिल ईस्ट का एक धनी देश ओमान के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप नहीं जानते। ओमान अरब देशों में पहला एक स्वतंत्र देश है। ओमान के सुल्तान काउस बिन सैद मिडिल ईस्ट के एकमात्र सुल्तान हैं जिसे लंबे अरसे तक सुल्तान रहने का गौरव हासिल हुआ। ओमान में आप सुल्तान के खिलाफ नहीं बोल सकते, ये वहाँ पे कानूनन अपराध है। वहाँ की पुलिस को किसी भी घर की तलाशी लेने के लिए कोई वारंट की जरूरत नहीं होती। ओमान का करेंसी नोट दुनिया में तीसरा मूल्यवान करेंसी नोट है। आज के दिन में एक डॉलर का भारतीय रुपया में मूल्य है 65 रुपए, वहीं एक ओमानी रियल का मूल्य है 170 रुपए। ओमान के सुल्तान के नाम पर मुस्कात में एक मस्जिद बनाया गया जिसको बनाने के लिए भारत से 3 लाख टन से भी ज्यादा पत्थर ओमान ले जाया गया और ये मस्जिद को बनाने में 6.5 साल का समय लगा। ओमान एक ऐसा देश है जहाँ क्राइम का रेट लगभग 0 है। ओमान का इतना धनी होने का कारण दूसरे अरब देशों जैसा सिर्फ तेल नहीं है, यहाँ से बड़ी मात्रा में मछली और खजूर का एक्सपोर्ट होता है। ओमान एक ऐसा अरब देश है जहाँ टेररिस्ट का कोई नामो निशान तक नहीं और ये देश आतंकवाद से कोसों दूर है। ओमान में हर जगह अरेबिक के साथ इंग्लिश का काफ़ी इस्तेमाल होता है। ओमानी घोड़ा दुनिया के बेहतरीन घोड़ों में से माना जाता है और ये दुनिया में काफ़ी मशहूर है। 1970 से पहले ओमान में एक भी होटल नहीं था, लेकिन आज ओमान में 100 से अधिक होटल्स पाया जाता है। ओमान एक ऐसा देश है जहाँ किसी भी तरह का टैक्स देना नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी बहुत छोटी मात्रा में सोशल सिक्योरिटी के लिए पैसा देना हो सकता है। ओमान मिडिल ईस्ट का एक विचित्र देश है। यहाँ का 40% लोग बाहर देशों से आकर ओमान में बसे हैं। ओमान के लोग इस्लाम से पहले इबादी धर्म का पालन करते थे। ओमान में शराब के लिए एक अलग तरह का लाइसेंस लेना पड़ता है और वहाँ पे कोई भी आदमी अपने कुल आय का 10% से ज़्यादा शराब में खर्च नहीं कर सकता। ओमान में शिक्षित की संख्या 92% से ज़्यादा है। पक्षियों के लिए ओमान बहुत ही विचित्र माना जाता है। एशिया, यूरोप और अफ्रीका से काफ़ी सारे पक्षी हमेशा ओमान में आता है। मुस्कात को छोड़कर ओमान के ज़्यादातर हिस्सों में लड़कियां घर से बाहर कम निकलती हैं। वहां पे ये कहा जाता है कि लड़कियों को हमेशा घर का देखभाल करना चाहिए। ओमान एक ऐसा अरब देश है जहां लड़कियां अपने चेहरे को बुरके से नहीं ढकती। वहां पे एक ट्रेडिशन है, लड़कियां अपने फेस पर एक अलग किस्म का पर्दा इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर अच्छा नहीं लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए क्यों अच्छा नहीं लगा।